ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर वन, अगर आपके सिर के बाल झड़ने लगे हैं तो चावलों के पानी से सिर को धोएं, इससे आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। नंबर टू, सुबह समय से ना उठने से दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नंबर थ्री, मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज होती है। नंबर फोर, नहाने के बाद काला नमक चाट लिया करें, बुढ़ापा देरी से आएगा। नंबर फाइव, रोज़ाना किशमिश खाने वाले इंसान को जल्दी कोई बीमारी नहीं होती। नंबर सिक्स, रोटी खाने से पहले एक खजूर का दाना खा लेने से खाया पिया जल्दी हजम हो जाता है। नंबर सेवन, अगर पेशाब में जलन हो तो सुबह के नाश्ते के साथ एक खीरा खाएं, जलन दूर हो जाएगी। नंबर एट, जो लोग दही का सेवन रोज़ाना करते हैं उन्हें कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। नंबर नाइन, पुदीने की चटनी खाने से नींद कम आएगी। नंबर टेन, खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है। नंबर इलेवन, कपड़ों का पीलापन दूर करना हो तो कपड़ों पर नींबू का रस लगाकर कुछ देर छोड़ दें, दाग दूर हो जाएंगे। नंबर ट्वेल्व, नींबू का रस ज़्यादा निकालना हो तो पहले नींबू को दोनों हाथों से मस लें और फिर उनको काट कर इस्तेमाल करें, इससे नींबू का रस ज़्यादा निकलेगा। नंबर थर्टीन, खाली पेट जानबूझकर खांस लिया करें, इससे सीने की बलगम खुलकर बाहर आएगी। नंबर फोर्टीन, पानी ज़्यादा पिया करें, गुर्दे खराब नहीं होंगे। नंबर 15, अगर वज़न कम करना हो तो रोज़ाना पपीता खाएं। नंबर 16, खाने में ज़्यादा घी का सेवन करने से गले में इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 17, जिन लोगों के शरीर में दर्द रहता है वह मखाने दूध में डालकर खाएं, इससे शरीर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 18, अगर ज़्यादा वज़न पड़ रहा है तो कद्दू का जूस बनाकर पिएं, वज़न कम होने लगेगा। अगर आप रात को सोते समय एक गिलास पानी और एक लौंग खाकर सोते हैं तो आपको कब्ज नहीं होगी, तेजाब और पेट दर्द नहीं होगा। नंबर 20, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है तो रोज़ाना सुरमा या काजल लगाएं। नंबर 21, सलाद का सेवन रोज़ाना करें, इससे आपका पेट बाहर नहीं आएगा। नंबर 22, बासी मुँह शहद का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है। 23, रोज़ाना दूध का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। नंबर 24, जो रोज़ाना केला खाते हैं ऐसे लोगों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 25, हरी और पीली शिमला मिर्च झुर्रियों को गायब करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। नंबर 26, खांसी ना जा रही हो तो दूध में पताशे डालकर पिएं, इससे खांसी में जल्द आराम आ जाता है। नंबर 27, चेहरे पर खुश्की हो तो गुलाब का अर्क लगा लें। नंबर 28, कम सोने वाले इंसान को शुगर घेर लेती है। नंबर 29, दालचीनी का सेवन करने से याददाश्त बेहतर होती है। नंबर 30, कद्दू के बीजों का सेवन करने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। नंबर 31, गाय के दूध का सेवन करने से नाखून, आँखें और बाल खूबसूरत होते हैं। नंबर 32, नीम के पत्तों से नहाने से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नंबर 33, चाय में चीनी की जगह थोड़ा सा गुड़ या देसी सांड मिलाकर पीना अच्छा होता है। नंबर 34, बहुत गर्म चीज़ खाने से दिल कमज़ोर होने लगता है। रोज़ाना सुबह बासी मुंह एक कली लहसुन की पानी के साथ सेवन करने से पेट संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। चेहरे पर रात को रोज़ाना कच्चा दूध लगाकर सोने से चेहरे की स्किन निखर जाती है। नंबर 37, पेट की गर्मी से बचना हो तो सौंफ वाला दूध पिएं। 38, कब्ज़ की शिकायत हो तो ठंडा पानी कम पिएं, हल्का गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है। नंबर 40, अगर अच्छे चावलों की पहचान करनी हो तो चावलों के दाने तवे पर गरम करें और थोड़ी देर में दाने पिचलने शुरू हो जाएंगे,
तो यहाँ अच्छे चावल नहीं हैं। नंबर 41, शुगर और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए रोज़ाना मेथी दाने का सेवन करें। नंबर 42, अगर दांतों को कीड़ा लगने से बचाना है तो रोज़ाना रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर कुल्ला करें। नंबर 43, चेहरे पर धूप के निशान ख़त्म करने के लिए बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और जब सूख जाए तो चेहरे को धो लें। नंबर 44, मुंह धोने या नहाने के बाद चेहरे की स्किन को ज़्यादा तौलिए से रगड़ने से आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 45, अगर आप अपने वज़न को कम करना चाहती हैं तो करेले की सब्ज़ी बेहतरीन होती है। नंबर 46, रात के समय आलू ज़्यादा ना खाएं, इससे बवासीर की दिक्कत हो सकती है। नंबर 47, कच्चा नारियल दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 48, जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश करें। नंबर 49, प्याज खाने वाले का पेट कभी ख़राब नहीं होता है। नंबर 50, खाने पीने की गर्म चीज़ कभी प्लास्टिक के बर्तन में ना डालें, इससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। नंबर 51, अगर कब्ज़ की दिक्कत हो तो रात को एक चम्मच सूखा धनिया एक गिलास पानी में भिगोएं और सुबह छानकर पी लें। रोज़ाना इसका सेवन करने से कब्ज़ ख़त्म हो जाता है। नंबर 52, बैठकर दूध पीने से चर्बी कम हो जाती है। नंबर 53, खाने में ज़्यादा मीठा डालकर इस्तेमाल करने से दांतों की दिक्कत बढ़ती है। नंबर 54, जिनको दाने निकलते हैं वह कड़वे करेले का पानी पिएं, इससे दाने कम हो जाएंगे। नंबर 55, कपड़ों के दाग पर अदरक मसलने से दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 56, अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते हैं तो कुछ ही दिनों में तेज़ाब की दिक्कत हो जाएगी। नंबर 57, ठंडा पानी पीने के बाद चाय पीने से दांतों में दिक्कत होने लगती है। नंबर 58, रोज़ाना अदरक खाने से शरीर में जल्दी बीमारी नहीं होती। नंबर 59, दोपहर के समय पुदीने की चटनी बनाकर खाएं, मौसम बदलने पर सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। नंबर 60, ज़्यादा चाय पीने से गैस की दिक्कत होने लगती है और भूख भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 61, ज़्यादा चावल खाने से वज़न जल्दी बढ़ने लगता है। नंबर 62, जुओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो अदरक का पेस्ट बनाकर सिर में लगाएं, इससे जुएं ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 63, बेर खाने से खून साफ हो जाता है और चेहरे की रंगत निखरती है। नंबर 64, गुड़ वाली चाय पीने से दिमाग तेज़ होता है। नंबर 65, बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से चेहरा ना धोएं। नंबर 66, दांतों पर नींबू का रस मलने से दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। नंबर 67, गुलाब के फूल चेहरे पर मलने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 68, बादाम के 2-3 दाने शहद के साथ सेवन करने से याददाश्त बढ़ती है। नंबर 69, अगर आपको थायराइड की दिक्कत हो तो रोज़ाना रात को एक चम्मच सूखा धनिया एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट छानकर पी लें। रोज़ाना इसका सेवन करने से थायराइड में आराम मिलता है। नंबर 70, झुर्रियों की समस्या को दूर करने के लिए नारियल तेल और शहद को मिक्स कर लें और इसे अपने फेस पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें। नंबर 71, सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर चीज़ों का सेवन करते हैं, इन चीज़ों से बच्चों के शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं।
इसलिए नाश्ते में केवल घर की बनी चीजें ही उन्हें खाने के लिए दें। इसके लिए आप इडली, डोसा, उपमा उन्हें दे सकते हैं। इससे उनके शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। अगर नींबू पानी पीते हुए नींबू के बीज आपके मुंह में आ जाएं तो वह चापकर खा लेना चाहिए। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। नंबर 73, चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 74, नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं। नंबर 75, रोज़ाना चम्मच करेले का जूस पी लेने से शुगर की बीमारी से बचा जा सकता है। नंबर 76, ज़्यादा कैलोरी लेने से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी और मीठे के लिए सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें। नंबर 77, मसूर की दाल नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, साथ ही शरीर की कमजोरी को दूर करता है। नंबर 78, लहसुन को कुचलकर उसकी कलियों को दरवाजे और खिड़कियों के पास रख दें, इससे छिपकलियां नहीं आएंगी। नंबर 79, सूजी को रोज़ खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। नंबर 80, गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। नंबर 81, लकड़ी के चूल्हे की आग में बना खाना खाने से आप ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। नंबर 82, शाम को मीठा ना खाओ बल्कि कड़वा खाओ, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 83, स्मोकिंग और शराब का सेवन करने से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं और बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। बालों पर कंघी ना करने से बाल बहुत जल्दी गिरने लगते हैं। को दलिया खिलाने से उनके वज़न को बढ़ाने में मदद मिलती है। दलिया में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ मांसपेशियों में होने वाले दर्द में भी राहत देता है। नंबर 86, शाम को प्याज का सेवन करने से बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। नंबर 87, जिन औरतों की उम्र 40 से 45 के बीच है उनको चुकंदर खाना चाहिए। नंबर 88, ज़्यादा टॉफ़ी खाने से दांतों की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 89, कुमार की काली मिट्टी में जरा सा देसी घी मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन जड़ से ख़त्म हो जाती है। नंबर 90, कोई जहरीली चीज़ मुंह में चली जाए तो तुरंत नमक खा लें, जहर बेअसर हो जाएगा। नंबर 91, अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसको केला और शहद मिला कर दें, मिट्टी खाना छोड़ देगा। नंबर 92, पानी कम पीने से दिमाग की नसों में खून के थक्के जमने लगते हैं। दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है जिससे बेहोशी भी आ सकती है, इसलिए हमें कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इससे हमारी आधे से ज़्यादा बीमारी दूर हो जाती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम अपनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।